रेलवे स्टेशन गोंदिया में चलती गाड़ी में चढ़ने के प्रयास में गिरने पर सुरक्षा बल पोस्ट गोंदिया में ड्यूटी पर कार्यरत आरक्षक प्रमोद कुमार के सतर्कता से बचाई महिला यात्री की जान। गोंदिया रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 22815 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 1:50 पर आई और 1:52 पर रवाना हुई। गाड़ी के रवाना होते ही स्लीपर कोच नंबर S4 में एक यात्री अपनी पत्नी के साथ प्रवेश कर रहे थे। पुरुष यात्री गाड़ी के सीढ़ी पर लटक रहा था, परंतु महिला यात्री जिसका नाम प्रीति बिसेन बताया जा रहा है, वो अपने पति के कमर को पकड़कर लटक कर घसीटते हुए गाड़ी के साथ जा रही थी। गाड़ी संख्या 22815 एर्नाकुलम एक्सप्रेस की चपेट में आकर अनपेक्षित घटना की शिकार हो जाती, लेकिन ड्यूटी में तैनात आरक्षक प्रमोद कुमार RPF गोंदिया द्वारा सतर्कता एवं तत्परता का परिचय देते हुए त्वरित कार्रवाई कर उक्त महिला को सुरक्षित अपनी ओर खींचते हुए प्लेटफॉर्म एवं गाड़ी के मध्य जाने से बचाया। आरक्षक प्रमोद कुमार द्वारा अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए किए गए त्वरित कार्यवाही से उक्त महिला यात्री की जान बच सकी है, जिस पर महिला यात्री का परिवार एवं मौजूद अन्य यात्री द्वारा रेलवे सुरक्षा बल की प्रशंसा की गई। साथ ही रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पंकज चुग द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।